ट्वेंटी सिक्स वेरी वेल सेट तो ट्वेंटी सिक्स हमने पूरा राजस्थान घूमा था है ना एक एक डिस्ट्रिक्ट में जा जा करके यहाँ पे है या नहीं ऐसे देखा था हमने सब चीज़ें तो आज हम उसी को ही थोड़ा सा एलेबरेटिव वे में करते हैं जैसे कि देखो जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है क्योंकि ट्वेंटी सिक्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इस वजह से जनरली क्वेश्चन यही बनते हैं कि आपसे आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दी जाएगी एंड देन दे विल आस्क यू इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट राइट तो आप सिर्फ नाम और डिस्ट्रिक्ट याद कर लोगे वो भी काफ़ी है आपके लिए बहुत

वो भी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नहीं जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है हम थोड़ा सा कौन सी थी? अगर आपको ध्यान हो तो हमने घूमना शुरू किया था राजस्थान है ना हमने अपनी जीप कहां से स्टार्ट की थी स्टार्टेड एट फ्रॉम जैसलमेर वेरी वेल सेट तो जैसलमेर बाड़मेर में हमने कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज नेशनल डेजर्ट पार्क नेशनल डेजर्ट पार्क नेशनल डेजर्ट पार्क नेशनल डेजर्ट पार्क जो है अब देखो वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स में बताने को मैं बता सकती हूँ कब स्टेब्लिश हुई थी क्या हुआ था बट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काम का नहीं है इन्फॉर्मेशन बिकॉज इतनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इस वजह से इस ये कब इस्टिश हुई थी बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता uh, का जो मतलब ये कब बनी थी उ, उसके कॉन्टेक्स में आप नेशनल पार्क में थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि वो तीन ही हैं तो इसलिए थोड़ा सा याद करने वाली चीज है कि वो कब इस्टिश हुए थे बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट नेशनल डेजर्ट पार्क फेमस किसके लिए है अरे सबको पता है ये तो हमारा स्टेट बर्ड कौन सा है बताओ वेरी वेल गोंडावन गोंडावन का इंग्लिश में नेम क्या है गोंडावन uh, को बोला जाता है ग्रेट इंडियन बस ग्रेट इंडियन बस ग्रेट इंडियन बस एंड चिंकारा और उसके अलावा चिंकारा का ये हैबिटेट है ठीक है दिस पार्क नेशनल डेजर्ट पार्क इज है स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान और शिंकारा उन दोनों का ये हैबिटेट है इसके अलावा यहां पे आपको मिलता है अकाल वुड फॉसिल पार्क दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉसिल पार्क फॉसिल पार्क ठीक है ये भी यहां पे मिलता है नेशनल डेजर्ट पार्क के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो है पिवाना स्नेक पिवाना स्नेक एंड सेवन ग्रास सेवन ग्रास इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस प्लेस दिस इज द लार्जेस्ट पार्क ऑफ स्टेट राजस्थान का लार्जेस्ट पार्क है ये ये तीन चार चीजें हैं जो आपको नेशनल डेजर्ट पार्क के बारे में याद रखनी है ठीक है जिसमें से अकलवुड जो अकालवुड फॉसल पार्क है वो इम्पॉर्टेंट है और ग्रेट इंडियन बस स्टार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कई बार अब आप इसे अपने नोट्स में लिखोगे कैसे देखो ऐसे अगर लिखोगे तो आपके लिए रिवाइज करने में दिक्कत होगी उससे बेटर है आप एक काम करना कि एक चार्ट बना लेना चार्ट इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे पहले सीरीज नंबर आपने डाल दिया ठीक है देन उसके बाद में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम लिख लिया देन उसके बाद में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो लिख लिया देन उसके बाद में यहां पे रिमार्क या फिर स्पेसिफिकेशन जो भी है वो आप लिख सकते हैं ठीक है इस प्रकार से आप एक अपनी नोटबुक के अंदर चार्ट बना लेना जिससे कि आपको रिवाइज करते हुए बहुत इजी होगा और चीजें आपको याद रहेंगी अदरवाइज ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी चीज किसके अंदर है ठीक है तो नेशनल डेजर्ट पार्क आ गया सेकंड हम इसके बाद में अपनी जीप लेके कहा गए थे यहाँ पे गए कुछ नहीं है यहाँ पे हमने देखा था बीकानेर में भी कुछ नहीं है गंगानगर हनुमानगढ़ में भी कुछ नहीं है तो फिर हम आ गए चूरू चूरू के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है ताल छापर वेरी वेल सैड कौन सी है ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइफ सेंचुरी ठीक है मैं पूरा नहीं लिख रही हूं आप समझ लेना डब्ल्यू एल एस मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसके लिए फेमस है दिस इज फेमस फॉर दिस इज फेमस फॉर ब्लैक बक ब्लैक बाक वही सलमान खान वाला है ना ब्लैक बक सबसे काफी फेमस हो गया तो ब्लैक बक जैसे कि काला हिरण या फिर कृष्ण मृग भी कहा जाता है तो ब्लैक बक के लिए ये बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर ब्लैक बक कहां पे मिलते हैं या ब्लैक बग के लिए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है तो वो ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सोचने की भी जरूरत नहीं और कुछ इसके अलावा यहां पे आपको एक आपने सुना होगा कुरजा बर्ड कुरजा बर्ड या फिर जिसको खींचन भी बोलते हैं ये भी यहाँ पे स्पॉटेड किए जाते हैं ऑल्सो स्पॉटेड हियर यहाँ पे देखे जाते हैं देखो ये कुर्जा बर्ड जो है इसका एक्चुअल नेम क्या है इसका एक्चुअल नेम है डिमोसल क्रीन क्या नाम है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं माइग्रेट करके दूसरे स्थान पे जाते हैं ना तो डिमोइसल स्क्रीन जो है वो एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि इसे खींचण क्यों कहते हैं खींचण बेसिकली एक विलेज का नाम है कहाँ पे है ये विलेज ये जोधपुर के फलौदी तहसील के अंदर पड़ता है विलेज इस जगह पे इस विलेज में ये जो डेमोसल स्क्रीन है ये विंटर्स के टाइम पे ये मतलब काफ़ी लार्ज नंबर के अंदर यहाँ पे देखे जाते हैं इस वजह से इस विलेज का नाम ही इस बर्ड के नाम को दे दिया खींचन बर्ड बोला जाता है बट बाकी बर्ड का नाम है डेमोइसल स्क्रीन जो कि मैक्सिमम लार्ज अमाउंट के अंदर स्पॉट स्पॉट किए जाते हैं देखे जाते हैं विलेज इज तहसील ऑफ जोधपुर ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है इसके अलावा ताल छापर में एक आपको मूथिया ग्रास भी मिलती है मूथिया ग्रास ये भी आपको यहाँ पे मिलती है तो ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये तीन चीजें हैं एक आ, तीन चीजें क्या इनफैक्ट दो ही चीजें हैं जो याद करने लायक है कुर्जा बर्ड तो ठीक है यहाँ पे देखे यहाँ पे भी देखे जाते हैं बट एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आते ब्लैक बर्ग और उसके अलावा ग्रास ठीक है दो चीजें हो गई दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी अब आ जाओ अब आगे कहाँ चलेंगे आगे हम झुंझुनू सीकर पार कर गए कुछ नहीं है इसके अंदर फिर आ जाओ जयपुर जयपुर में हमने दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी थी कौन कौन सी देखी थी जयपुर के अंदर इसे सर अब कर रही हूं ठीक है क्लियर है कर नोट कर लो इसे जैसे मैंने बताया था वैसे चार्ट में कर लेना बना करके अब देखते हैं हमने देखी थी जयपुर के अंदर कौन सी थी जयपुर के अंदर नाहरगढ़ नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा नहीं है इसके बारे में तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख रही हूँ नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है दो याद रख लेना चलो एक चीज याद रखनी है वो ये कि ये इंडिया का सेकंड बायोलॉजिकल पार्क है और इनफैक्ट ये इंडिया का थर्ड बियर रेस्क्यू सेंटर भी है सो इट इज इंडियाज सेकंड बायोलॉजिकल पार्क एंड इंडियाज थर्ड बियर रेस्क्यू सेंटर ठीक है बायोलॉजिकल पार्क इनफैक्ट राजस्थान में एक सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है वो उदयपुर के अंदर है बट बायोलॉजिकल पार्क के कॉन्टेक्स्ट में जनरली नाहरगढ़ का ही क्वेश्चन बनता है तो बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान में नाहरगढ़ क्वेश्चन बनता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर है और भी जगह पर है बट नाहरगढ़ का जनरली क्वेश्चन आता है सॉरी हा तो नाहरगढ़ हो गया देन इसके बाद में थर्ड एक और है राजा जयपुर के अंदर कौन सा है जयपुर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी से की थी बताओ माता के नाम पे है जमवा रामगढ़ है ना जमवाए माता के नाम पे है ना जमवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है एक तो इस सेंचुरी का जो स्पेशल फीचर है वो है हायना हाए ना, हाए ना जो है दैट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ दिस सेंचुरी और यहाँ पे एक हावा होडी लेक है उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना हावा होडी लेक वो भी इसी सेंचुरी के अंदर है क्लियर है जम्बा रामगढ़ अब जम्बा रामगढ़ हो गया अब नेक्स्ट जम्बा रामगढ़ के बाद में हम अलवर आ गए है ना अलवर के अंदर हमने कौन सी सेंचुरी देखी थी दो सेंचुरी थी सरिस्का और सरिस्का ए तो बात करते हैं सरिस्का की सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है अगर इसका ये भी जो ये भी इस्टेबलिश 1955 में ही हुई थी अगर याद रहे तो रख लेना वरना अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट बाकी सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो चीजें हैं सबसे पहले तो ये ये राजस्थान का सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट है है ना राजस्थान का सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट सेकेंड टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान का ये और ये फेमस किसके लिए है यहाँ पे आपको मिलते हैं ग्रीन पिजन्स जो होता है ना हरे कबूतर है ना वो आपको यहाँ पे मिलते हैं सरिस्का सरिस्का कहाँ पे पड़ता है बताओ सरिस्का अरे यहाँ पे हमने भी देखा था है ना अलवर के अंदर तो ग्रीन पिजन्स यहाँ पे मिलते हैं फेमस है ग्री, ग्रीन पिजन और इसके अलावा रीसस मंकी रीसस मंकी रीसस मंकी रीसस मंकी बेसिकली ये मोस्ट कॉमनली फाउंड मंकी होते हैं वही जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं पेल ब्राउन से कलर के जो हमें जनरली देखने को मिलते हैं बंदर ये वही वाले हैं रीसस मंकी ठीक है ये यहाँ पे इस चीज के लिए फेमस है इसके अलावा यहाँ पे पिकॉक वैली भी है और क्या क्या है यहाँ पे फेमस नहीं सबसे पहले देख लेते हैं पिकॉक वैली भी है यहाँ पे पूछा जाए कि पिकॉक वैली कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है तो ध्यान रखना यहाँ पर है इसके अलावा यहाँ पे आपको पांडुपोल पांडु पोल भी है यहाँ पे ब्रतारी केव्स भी है यहाँ ब्रितारी केव्स भी है यहाँ पे और यहां पे नीलकंठ महादेव टेम्पल भी है नीलकंठ महादेव टेम्पल नीलकंठ महादेव टेम्पल भी है एक इस आ, सरिस्का आ, के कॉन्टेक्ट में एक चीज याद रखना कि 2008 में रण से एक टाइगर दारा सुल्तान और टाइग्रेस बबली को यहाँ पे लाया गया था 2008 में एंड दिस वाज़ द फर्स्ट ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल टाइगर री लोकेशन जो टाइगर uh, को रीअलोकेट करने का जो प्रोग्राम है ये पूरे वर्ल्ड का सक्सेसफुल पहला ऐसा सक्सेसफुल प्लान बना था प्रोजेक्ट बना था टाइगर को रीलोकेट करने का तो यहाँ पे टाइगर टाइगर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि टाइगर दारा सुल्तान या फिर जैसे मछली के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है मछली जैसे टी सिक्सटीन भी कहा जाता है टाइग्रेस वो कहाँ की है तो वो रनथम्बोर की ठीक है 2016 में उसकी डेथ हुई थी तो एनी uh, कई बार टाइगर को कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ लिया जाता है तो टाइगर दारा सुल्तान दारा सुल्तान एंड टाइग्रेस बबली रीलोकेटेड

सरिस्का के बारे में यही चीजें इंपॉर्टेंट है ग्रीन जनरली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर टाइगर 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 प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट कौन सा है प्रोजेक्ट है ना और फिर तीसरा कौन सा था मुकुंदरा हिल्स वेरी वेल सेट पिकॉक वैली ध्यान रखना नीलकंठ महादेव टेम्पल ध्यान रखना यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई नेक्स्ट देखते हैं सरिस्का ए सरिस्का ए में कुछ नहीं है सरिस्का ये जो है इसके बारे में ये लेटेस्ट डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन ये स्मॉलेस्ट है एंड लेटेस्ट डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है ये हो गया सर इसका ए के बारे में नोट कर लो इसे फटाफट से फिर आगे देखते हैं क्लियर कर रही हूं इसे सर तक हो गया अलवर हमने देख लिया अब बात करते हैं अलवर के बाद में नेक्स्ट कौन सा है देखो मैप में कौन सी जगह है नेक्स्ट भरतपुर है ना भरतपुर की हमने कौन सी देखी थी सेवेंथ हो गई थी क्या भरतपुर नंबरिंग देख लेना कहीं गलत ना हो भरतपुर की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी तो भरतपुर लिख दिया भरतपुर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी थी बंद बारेठा है ना बंद बारेठा कहाँ पे है भरतपुर के अंदर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंद बारेठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना इसका एक और नेम है इसे कृष्ण सागर मतलब वो भी बोला जाता है कृष्ण सागर लेक भी बोला जाता है इसका नाम है सॉरी कृष्ण नहीं किशन सागर लेक किशन सागर लेक भी बोला जाता है इसे और ये जो कृष्ण सागर लेक है ये बेसिकली एक मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है जो कि जो ककुंद रिवर है उसके पानी को रोक करके उस उस रिवर की डैमिंग करके ये बनाई गई है इट इज ऑल्सो नोन एज कृष्ण सागर लेक बंद बारेठा हो गया देन उसके बाद में हमने यहां तक देख लिया बंद बारेठा देन कम टू तो धौलपुर धौलपुर जो है धौलपुर के अंदर कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तीन देखी थी हमने वन विहार राम सागर और हमने देखा था अपने ये केशरबाग है ना इन तीनों में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का जो वन विहार है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर ध्यान रहे तो यहाँ पे स्लोथ बियर जो हैं वो स्पॉट किए जाते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा देखने का धाग के और कैर के ट्रीज भी मिलते हैं उसके अलावा जो राम सागर है वो बेसिकली जो आपका ये क्या कहते हैं इसको आगरा मुंबई का जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर लोकेटेड है और जो आ, मतलब इस, इस इसके बाद में एक और जो हमने देखा था वो है आ, Uh, कौन सा था uh, केसरबाग है ना केसरबाग केसरबाग जो है uh, वो अर्थ वाइल uh, प्रिंसली स्टेट ने डेवलप किया था तो कुछ बहुत खास नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के बारे में याद रखने का नेक्स्ट उसके बाद में आता है समाई माधोपुर समाई माधोपुर के अंदर समाई माधोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है देन कम टू करौली करौली के अंदर है केला देवी केला देवी केला देवी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे करौली के अंदर इसके कॉन्टेक्स में सिर्फ हमें एक ही चीज याद रखनी है वो है धोक धोक फॉरेस्ट फॉरेस्ट राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पे मिलते हैं तो वो केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलते हैं करौली के अंदर है ये धोक फॉरेस्ट का बॉटनिकल नेम बताओ बताओ धोक फॉरेस्ट का बॉटनिकल नेम अरे वेजिटेशन वाले टॉपिक में हमने किया है इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा वेजिटेशनल टॉपिक में सब पढ़ाया है मैंने ये धोक फॉरेस्ट बताओ क्या होता है बॉटनिकल नेम इसका फटाफट से चलो एक हिंट देती हूँ पेंडुला से कुछ याद आया वेरी वेल well एनोजाइसिस पेंडुलम है ना वो किसका नाम है आ, आ, मतलब पेंडुलम से एनोजाइसिस पेंडुला जो है वो बेसिकली धोक फॉरेस्ट का धोक ना, का नाम होता है ठीक है बॉटनिकल नेम तो केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ तक हमने कर लिया अब इसके बाद से हम लोग बूंदी वगैरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी की जो बची हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो इफ यू डू सो देन प्लीज प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे कनेक्टेड बाय